महामारी जब स्टार्ट हुई तो बहुत से कंडीशंस ख़राब थे, जैसे कि बाहर जाना नहीं था और रैशंस भी कुछ घर में नहीं रहते उस वक्त पे, सब एक साथ एक ही घर में रहना, घर भी इतने बड़े नहीं थे कि हम सब एक साथ उसमें रह सके। धीरे धीरे तो कंडीशंस बहुत ख़राब होते गए। मुझे एक प्रैंक कॉल आ रहे थे जिसके वजह से मैं ऑलरेडी पहले से मैं थी परेशान, और उसके बाद मैं और परेशान होने लगी, जिसके वजह से मुझे एकदम बहुत गंदे गंदे मैसेजेस, गंदे गंदे कॉल आ रहे थे। हमारी के टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, मैं ऑलरेडी पहले से डिप्रेस थी और उस पर और डिप्रेशन आते जा रहा था। तो जब ये ऐसा चल रहा था तभी मेरे को याद आया कि रुकैया दी, इसके पहले मेरा वो ले रहे थे, काउंसलिंग ले रहे थे मेरा, मुझे रुकैया दी याद आई कि हाँ इस वक्त मुझे रुकैया दी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं रुकैया दी से क्यों ना बात करूँ। तब से उन्होंने मेरी हेल्प की है और वो अभी भी बोलती है अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत मुझे याद करो। तो उन्होंने मुझे समझाया, पहली बात तो मैंने उनको कुछ उल्टा मैसेज किया नहीं था, तो मेरा गिल्ट तो था नहीं। जैसे ही मैंने जैसे रुकैया दी से शेयर किया, काउंसलर से शेयर किया, फ्रेंड्स से शेयर किया, तो वैसे ही धीरे धीरे मतलब वो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ मेरी गलती तो थी नहीं, सच में मुझे, मैं डिप्रेशन से जाने से बच गई। और भी ऐसा होगा तो जिसको अगर नीड होगी और जिसको ऐसा कुछ भी पता नहीं होगा कि उसको क्या करना चाहिए, तो मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगी कि हाँ वो यहाँ पे स्नेहा से हेल्प ले सकते हैं।